लेकिन आज सर एक और पक्ष जो लगातार वायरल हो रहा है, वो जिसने मुझे भी बहुत प्रेरित किया है, वो अनंत अंबानी। मुझे चीजों में लगा कि उस लड़के में अद्भुत, 28 साल का उस नौजवान में जो मैंने सनातन को की समझ देखी है। आज मैंने अनंत के कई सारे वीडियोस देखे हैं, जो कुछ टीवी चैनलों को अनंत ने इंटरव्यू दिया है। मुझे पूरी दुर्गा सप्तती, पूरा गीता का श्लोक याद है, और जितनी गहराई से उस सनातन को समझता है, उस पीड़ा को, जब उनका जो, चूंकि उन्हें कई तरह की बीमारियां थी, उसमें जो अपनी बीमारी को खुद अस्पताल के बल पे नहीं, खुद दूर किया। और आज जब मैंने उनकी बातों पर मुकेश अंबानी को रोते हुए देखा, तो लगा कि सचमुच इस संस्कार उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों में दिए हैं। इतना समर्पित व्यक्ति, कहते हैं ना काम तौर पे, कि मुझे लगता है कि जब पैसे ज्यादा हो जाता है तो आप बड़े अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन देखिए जरा मुकेश अंबानी As के इस many of बेटे you को। know, my life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. I've faced many health crises since childhood, but my father and mother have never let me feel that I've suffered. My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. आज मैंने इस तरह से मुकेश अंबानी को, मतलब कहते हैं ना कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे संपन्न व्यक्ति में शुमार व्यक्ति को फूट फूट कर अपने बेटे के शब्दों पर रोते हुए देखा, तो लगा कि कितना संस्कारी उन्होंने, मतलब एक संस्कार दिया है कई चीजों से। मैं जरा इस चीज को समझने की आपसे कोशिश करता हूँ, क्या मुकेश अंबानी और अडानी के खिलाफ षड्यंत्र इसीलिए होता है क्योंकि सनातन, इतना बड़ा व्यवसायी होकर के सनातन भारत का ध्वजवाहक है? मनीष जी बिल्कुल, मुकेश अंबानी के वो जो सनातन से अभी हम लोग कह ही रहे थे, ये आपने दिखाया। उसके अलावा इस पूरी शादी में उन्होंने लगातार सनातन संस्कृति की श्रेष्ठता का परिचय, संदेश दिया है, परिचय दिया है। तो इनके खिलाफ कौन पड़ा है, अब आप अंतर समझ लीजिए, दर्शकों की समझ में आ जाएगा कि मुकेश अंबानी ने अपने सुपुत्र को किस तरह से उसकी ग्रूमिंग की है कि 28 वर्ष की उम्र में, जरा विचार सुनिए और क्या कह रहे हैं। और अपने बेटे की बात सुनकर मुकेश अंबानी के आंखों में आंसू आए, मतलब वो भाव विह्वल हो गए कि बेटे से जो उनकी अपेक्षा थी वो उसके अनुरूप हुआ, उसका आचरण है। लेकिन जो मुकेश अंबानी के जान का दुश्मन बना हुआ है अडानी अंबानी का, वो 28 वर्ष की उम्र में क्या कर रहा था, वो बोस्टन के हवाई अड्डे पकड़ गया था, पता चला कहीं वो ड्रग डीलर के, ड्रग क्या डीलर नहीं, ड्रग का जो किंग पिन था, कोलंबिया का ड्रग किंग पिन, उसकी लड़की के साथ अवैध $1.5 लाख के साथ, कुछ ड्रग के साथ पकड़ा गया था। अटल जी ने छुड़वा लिया किसी तरीके से, तो वो 28 साल की उम्र में ड्रग तस्कर के साथ घूम रहा था। मुकेश अंबानी अपने बेटे को किस तरह से ग्रूम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको, वो मुकेश अंबानी तो उसको खलेंगे।